देखो किंग खान का घर है, कहाँ निकलते होंगे? वाह हाँ। आगे कांटा है, ठीक है, इस पे इसको जैसे ही समुद्री कोई मछली खाता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू प्रॉम। तो अभी हम है बैंड स्टैंड यानी कि मुंबई बैंड स्टैंड पे, और यहाँ हमारे पीछे देखो ये है शाहरुख खान की होम यानी शाहरुख खान के घर, और ये देखो इधर है बैंड स्टैंड के बड़े वाले समुद्र जो अरब सागर है, और यहीं पे हम आए हैं। थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अभी शाहरुख खान ने निकले, शाम में निकलेंगे यहाँ पे, उनके होम जो है पीछे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। वहाँ से निकलेंगे फिर आप वो आएंगे, एक बार हाथ हिला देंगे और अपने फैंस का वो नहीं जाते, नहीं आते तो कहता है कि जो है अभी आते नहीं है, और बहुत सारे फैंस जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं बैग पे। तो चलो आएंगे तो हम मिलते हैं उनसे। फिलहाल हम बैंड स्टैंड के समुद्र देखते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ का जो दृश्य है ना बहुत ही मस्त है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतने साफ़ सुथरा, इतनी क्लीन है। मैंने महाराष्ट्र में पहली बार यानी सॉरी मुंबई में मैंने पहली बार इतना क्लीन और इतने साफ़ सुथरा जगह देखा है। ये देखो हमारे पीछे जो है समुद्र है, ठीक है, और यहाँ है शाहरुख खान का घर और बहुत सारे फैंस इंतज़ार कर रहे हैं। और चलो अभी चलेंगे समुद्र और वहाँ से थोड़ा मज़ा लेंगे। इसके पहले हमने गया था जू बीच, जू चपाटी जिसे हम कहते भी हैं, और अभी हम आए हैं बैंड स्टैंड यानी कि ये बांद्रा पे ही पड़ता है और ये वेस्ट पे पड़ता है, बांद्रा वेस्ट। भाई चलो हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं और दूसरे लोकेशन से हम आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी क्लीन और साफ़ सुथरा है, और ये देखो शाहरुख खान का जो होम है वो पीछे रह गए, और मैं अब चला आगे और मैं अभी जा रहा हूँ ओवर ब्रिज की तरफ, और ओवर ब्रिज से मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं, और साथ में देखो करण है, तो हम दोनों आज आए हैं, और आज हम दो ही बंदे हैं। इसके पहले हमने आया था तीन बंदे थे, बट आज वो लोग शायद अपने काम पे चले गए तो वो आए नहीं, तो हम दोनों ने आया है। और चलो हम दिखते हैं और कितने क्लीन और कितने बेहतरीन के नज़ारे लग रहे हैं। तो गाइस हमारे जो सामने से फ्रंट से देखा है ये लवर पॉइंट है, और इधर जो है बैंड स्टैंड है, ठीक है। तो चलो अभी हम बैंड स्टैंड पहले घूमते हैं, इसके बाद लवर पॉइंट में भी दिखाएंगे आप। तो गाइस ये देखो ये है बैंड स्टैंड का समुद्री दृश्य, और ये है बैंड स्टैंड का ही लवर पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा आपको लवर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब हम टॉप पे हैं और टॉप से दिखाते हैं आपको, इधर हर जगह एक कपल से देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ये देखो, ये देखो ये है सी, ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन है। और ये देखो बेहद ही बेहतरीन का दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा, और इधर से सी पड़ रहा है आपको, और ये देखो ये आपका अवर ब्रिज पड़ता है, और इधर देखो आपको हर तरफ लवर पॉइंट लवर ही मिलेंगे, आई मीन नो कपल्स, ठीक है। और इधर तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ओशन में, घुसते हैं वहाँ से थोड़ा मस्ती करते हैं, वाटर का जो नमकीन वाटर है उसका थोड़ा मस्ती करते हैं साथ में करें, और चलो चलेंगे और थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। और जो हमने गया था जूहू चपाटी उस पर आपको बहुत ज़्यादा जो है रेत देखने को मिला होगा, बट यहाँ पे जो है स्टोन आपको देखने को मिलता है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको मिलेंगे, इसके अलावा नथिंग कुछ नहीं है, है आगे निकल चुका है। और चलो ये देखो बहुत ज़्यादा पत्थर है, और पत्थर ही पत्थर है, इस पर हम नहा नहीं सकते ना। और दृश्य देखो कितने बेहतरीन है, सॉरी बेहतरीन बोले, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही बहुत 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 ब्यूटीफुल है। देखो करण आगे आ चुका है, मैं इधर पे हूँ, और ये देखो ये ओवर ब्रिज है, बहुत ही ये बाय बस का है, और ये देखो कितने ज़्यादा पत्थर है, यहाँ पे आप नहा नहीं सकते हो। ये था मैं आप जो जूहू चपाटी जाते थे ना तो वहाँ पे आप आराम से नहा सकते थे, बट यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पत्थर है, आपको चोट भी लग सकता है, पैर भी कहीं फंस सकते हैं, तो खतरा है यहाँ पे। समुद्री घंगोली, दैट्स नाइस। और गाइस ये देखो मैं कहाँ हूँ, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और ये देखो करण इधर पे, ब्लूटूथ खोल ले करण, ब्लूटूथ गिर रहा है,
ये देख गाइस, ये बोट है। और ये देखो, तो ना जाना काफ़ी अच्छा है, डर भी लग रहा भाई। और धूप देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लाइफ का हमारा ये सेकंड टाइम मैं की देख रहा हूँ, सेकंड टाइम मैं समुद्र देख रहा हूँ, और ये अरब सागर है। इसी के सहारे आप पाकिस्तान, ईरान और बहुत सारा ऐसे कंट्री जिससे आप जा सके, तो ये एक रूट पड़ जाता है कह सकते हो। ये देखो समुद्र, तो ये इतना जा रहा बस, और कई सारे भाई साहब हैं। डर भी लगते हैं और हमारे जींस देखो कितने ज़्यादा फट चुका है भैया यार, देखे तो किस तरह वो सारे भाई जी बना रहा है, लहर में लहर में मैं तो कर रहा हूं, बैठे हैं आराम से, लहर में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो वाले पत्थर पकड़ ले। हां ए भाई, ए भाई, ए ध्यान, मेरा फोन मिले यार, जाओ वीडियो सीट अच्छा। मामा मैं भी आ जाऊं, मैं आगे चलता हूँ बट देखो लहरें, देखो नहाओगे, नमकीन नहीं लगता है वाटर, नमकीन वाटर नहीं लगता है। और वो गाइस देखो कच्चा तेल का, मुझे लगता है कि मशीन लगाया हुआ है और कच्चा तेल निकालते हैं वहाँ से और एक्सपोर्ट करते होंगे, फिर उसे फ्रेश करते होंगे और ताज़ा बनाता होगा। देखो तो गाइस वो देखो, उस पर जो है ना बसेस चलती है, और ये देखो कुछ नहीं दिखता है, बस जहाँ देखो बस पानी ही पानी आपको नज़र मिलेगा। और ये देखो आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेरा गाइस वो थिंकिंग नहीं है, मेरा वो लक्ष्य नहीं है, बस मुझे भारत विज़िट करना है और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जो बेहतरीन प्लेसेस है उस करना है और मस्ती करना है। आ जाओ ये देखो भाई साहब कितने मस्ती कर रहे हैं। तो समुद्री घंगोली ना कुछ और ही होता है, इधर देखो ठीक है, ये देखो समुद्री घंगोली है, डर भी लग रहे हैं ठीक है, देखो डर भी लगते हैं, तो चलते हैं भाई। अब पता नहीं समुद्री चीज़ है तो जहरीला होगा। समुद्री मछली कैसे पकड़े जाते हैं ये देखो, इसमें ना एक्चुअली क्या है कि ये देखो इस पर जो है ना फंसा दिया गया है, क्या चीज़ आपको देखने को मिलता होगा, कांटा है ठीक है, इस पर इसको जैसे ही समुद्री कोई मछली खाता है ठीक है, ये छोटे मछली है देखो, इसको जैसे ही खाएगा ना इसे इस कांटे पर फंस जाएगा, और ये कांटे पर फंस गया था तो फिर वो उसका जो है ना बच पाना नामुमकिन है। देखो प्लास्टिक का लगा है, प्लास्टिक का। ये देखो मैं दूसरी लोकेशन पे हूँ, ये देखो सीप भाई, नहीं सीप नहीं, नहीं। तो इधर का लोकेशन देखो भाई, और ये स्लीपिंग बहुत ज़्यादा करेगा क्योंकि इसमें काई जमा हुआ है, और ये देखो, और इधर देखो बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है, समुद्री लहरें देखो, चल करें उधर चले, तो मुझे बच के निकलना पड़ेगा इधर से, और ये देखो बहुत ही ज़्यादा इधर पे स्लीपिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा लहरें आ रहे हैं। दैट्स नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और उधर से देखो करण आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा काई जमा हुआ है तो स्लीपिंग करता है बहुत ज़्यादा, और गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मेरे देखो पैरों पे कितने ज़्यादा वो लगे हुए, काई लगे हुए, तो
यदि थोड़ी सी मिस करते हैं तो आप गिर जाएंगे। और मैं थोड़ा लहरों का मजा लेता हूँ। यहाँ पे आइएगा तो बिना बर्फंड को लेकर मत आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये प्लेट्स गर्लफ्रेंड के लिए ही है, अगर आप लोग कपल लेकर आइए। इनको गिरते गिरते बचा है, फिसलन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसलिए भाई बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पेड़ फिसला ना तो आप चले जाओगे अंदर। अब फिर पता नहीं आप आ पाओगे कि नहीं, तो डर है बहुत ज़्यादा। ये मस्ती भी काफ़ी है। अरे अंदर इनको बहुत मस्ती कर रहा लहरें, बहुत जोर की लहरें आती है। ओह गॉड देख, और गाइस ये देखो कितने ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इधर देखो जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हमने खूब ज़्यादा मस्ती किया और कर ही रहे हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे और दूसरे प्लेसेस को देखेंगे, क्योंकि प्लेसेस देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार हमने आया था तो आपको क्या लगा था, जू चपाटी, जू चपाटी यानी जू बीच। और अभी हम हैं बैंड स्टैंड में और यहाँ की लहरें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट है और बहुत ही मस्ती का है। तो चलो खूब सारी मस्ती करते हैं और साथ में आप भी मस्ती करो, मैं भी मस्ती करता हूँ, और भरपूर मस्ती करो। लाइफ नो टेंशंस नो डिप्रेशंस, बिल्कुल हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी वाला पॉइंट अपनाते हैं। और चलो खूब सारा मस्ती करते हैं, खूब सारा प्यार मिटाते हैं और एक फिर से न्यू प्लेसेस पे जाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं, एक टापू की तरह है उस पर हम चढ़ रहे हैं, और चलो हम चढ़ के ऊपर का व्यू क्या है चलो देख, ये है। और अभी हम ऊपर चढ़ेंगे और ये देखो इधर हमने छोड़ दिया उसी को, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और ये देखो, और वो देखो गाइस, शारे को भाई साहब भगा रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। और एक्चुअली ये लोग हरकतें भी कुछ ऐसे करते हैं ना कि उन्हें भगाना पड़ता है। और वो देखो इधर कहाँ है छको, वो देखो कहाँ दे, यहाँ यहाँ अच्छा, वो देखो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे छुप के ना बहुत कुछ करते हैं, तो खैर वो आपकी समझ, आप समझ लो क्या करते होंगे। तो और ये देखो, तो यहाँ आपको ये यहाँ से जो ना लवर पॉइंट है, और यहाँ से हम चलो चलेंगे। आपको हमने कहा था कि लवर पॉइंट हम आपको दिखाएंगे, और ये देखो हमारे पीछे लवर पॉइंट है, चलो चलते हैं। चलो भाई ये देखो लवर पॉइंट का, इधर से पहले तू आया देखो, इधर ना आपको लवर पॉइंट जाने का रास्ता है और आपको बहुत कुछ मिलेंगे। चलो और ये देखो लवर पॉइंट का, अब यहाँ से भगा रहे हैं सारे को, बहुत असमत हो गया, तो इन लोगों को ना सारे भगा दिए, और अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे सारे, जो है ना आप समुद्र पर उतर गए हैं। तो ये लोग नंगे भूखे लोग जहाँ देखे वहाँ लग जाते हैं, थोड़ा सा शर्म लिहाज नाम का चीज़ नहीं है। तो खैर आपको अब खाली मिलेगा, क्योंकि लवर पॉइंट में सबको भगा दिए हैं, वो भाई साहब है उधर, ठीक है। तो ये है लवर पॉइंट, और 4 बजे के बाद यहाँ खाली हो जाता है, तो मुझे पहले पता नहीं था, तो अभी पता चला कि नहीं भैया बोल रहे हैं कि नहीं 4 बजे के बाद इधर पे खाली हो जाता है और यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे शाहरुख खान यानी किंग खान का घर है, तो चलो वहाँ से देखेंगे, यदि वो निकलते हैं तो ठीक है, आपको उसका घर भी दिखाते हैं, होम दिखाते हैं, और वहीं पे हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो चलो चलते हैं, और देखो
साफ सुथरा कितने बेहतरीन है। अच्छा, तो किंग खान का घर है और अभी वो निकले नहीं है, पता नहीं अब निकलते हैं कि नहीं, शायद कहाँ निकलते होंगे, वहाँ आगे फिलहाल निकले हुए नहीं है, और कभी गेट पे निकलते हैं, कभी वहाँ ऊपर पे निकलते हैं और बालकनी से एक बार हाथ हिला देंगे, हेलो फैंस, फिर सारे जो है भीड़ लगा देते हैं, और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर, सारे वेट कर रहे हैं उन्हीं का। ठीक है, तो फिलहाल अभी वो निकले नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अभी निकलेंगे, क्यों? बस ये है किंग खान का हॉल, और मैंने जैसे आपको दिखाया बैंड स्टैंड दिखाया, समुद्र दिखाया, ये किंग खान का हॉल है, और अभी वो निकले नहीं है, तो वहीं पे निकलते हैं, और बहुत सारे फैंस होते हैं जो हमारे पीछे आगे पीछे देख लो, और बहुत सारे जो पिक भी क्लिक करते हैं, तो आते हो यहीं से वो हाथ हिला देते हैं, बाय बाय कर देते हैं, और सारे फैंस हैप्पीनेस होते हैं। तो गाइस ये आई होप कि गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक करेंगे, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप देख सकें। और अभी फिलहाल हम मुंबई पे हैं, तो पूरा मुंबई महाराष्ट्र का ब्लॉग आपको हम दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, हमेशा मुस्कुराते रहिए।